राजस्थान के सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। 4 से 6 बदमाशों ने राजू ठेहट को उसके घर के पास ही गोली मार दी है। राजू ठेहट की आनंद पाल गैंग और बिश्नोई गैंग से रंजिश चल रही थी। लॉरेंस बिश्नोई के रोहित गोदारा ने हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। रोहित गोदारा ने लिखा है कि उसने आनंद पाल और बलबीर की हत्या का बदला ले लिया है। रोहित गोदारा ने लिखा है कि राम राम सभी भाइयों को। आज से ये जो राजू ठेठे की हत्या हुई है उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी मैं रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से लेता हूँ। मैं हमारे बड़े भाई आनंद पाल जी और बलबीर सिंह की हत्या में शामिल था, जिसका बदला आज हमने इसे मार के पूरा किया है। रही बात हमारे और दुश्मनों की, तो उनसे भी जल्द मुलाकात होगी। जय बजरंग बली। बता दें कि राजू ठेठ की हत्या की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने पूरे जिले में नाकाबंदी भी कर दी है। देखिए, फायरिंग की घटना हुई है, जैसा कि आप यहां पर हैं देख ही रहे हैं। राजू ठेठ नाम का व्यक्ति है, पहले ही क्राइम में काफ़ी लंबे समय से उसका नाम सभी लोग सुनते रहे हैं। फायरिंग में राजू ठेठ को गोली लगी है और अभी मेरे पास जो सूचना है उसकी डेथ हो चुकी है। कितने लोगों ने फायरिंग की? अभी तक 4 लोगों के उस घटना में शामिल होने की हमारे पास में जानकारी है। जो फुटेज हमारे पास में आसपास के कैमरों से हमने लिए, उससे ये पता चलता है कि 4 लड़के हैं, जिनमें से शायद किसी को वो जानता भी, क्योंकि एक लड़का उससे कुछ देर बात करता हुआ दिखता है। बाकी जो डिटेल है वो हम डेवलप करने के बाद आपको बता पाएंगे। कितने घायल हुए हैं? उसके अलावा एक अन्य व्यक्ति को गोली लगी थी, इसकी सूचना। सर कुछ ट्वीट भी आया, बताया किसी ने की रोहित गोदारा ने? देखिए, ट्वीट जो आप रोहित गोदारा नाम किसी व्यक्ति का ट्वीट की बात कर रहे हैं, वो सब वैलिडिटी चेक करनी पड़ेगी कि आखिर उस व्यक्ति के क्या लिंक है, वो जानता भी है या फिर कोई ऐसे ही किसी ने कर दिया, वो सब हम पूरा डिटेल पता करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। आपको बता दें, बदमाशों ने राजू ठेठ को 3 गोलियां मारी हैं। हरियाणा और झुंझुनू की सीमाओं को भी पुलिस ने सील कर दिया है। कहा जा रहा है कि गैंगस्टर राजू ठेठ अपराध की दुनिया को छोड़कर राजनीति में आने वाला था। वहीं सीकर के SP कुंवर राष्ट्रदीप ने कहा है कि राजू ठेठ की हत्या कर दी गई है। CCTV के आधार पर हत्याकांड में 4 युवकों के शामिल होने की बात सामने आई है। वहीं CCTV में दिख रहा है कि एक युवक राजू से बातचीत भी कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो दोनों में जान पहचान थी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सीकर जिले के पिपरारी रोड पर बदमाशों ने दिन दहाड़े राजू ठेठ को गोलियों से भून दिया है। हत्याकांड के बाद पूरे जिले में नाकाबंदी करवाई गई है। कहा जा रहा है कि गैंगस्टर ठेठ राजनीति में कदम रखने वाला था। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।